आपने क्या रूटीन फॉलो करते थे, मतलब 9th क्लास से 10th की तैयारी शुरू? अच्छा, अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो क्या करते थे? अच्छा, आपका पढ़ाई करने का तरीका कैसा होता था, मतलब कैसे बैठते थे, किस तरीके से पढ़ते थे? जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है लिख लिख के पढ़ने की, आप कैसे पढ़ते थे, मतलब सेल्फ स्टडी कैसे करते थे? गुड इवनिंग। हेलो सावन कुमार जी, कैसे हो आप? परफेक्ट सर, परफेक्ट। चलिए भाई, आज हम मिले हैं सावन कुमार से, जो कि 10th रैंक आई है आपकी, राइट? यस सर। बिहार बोर्ड में? यस सर। चलो, बहुत बहुत बधाई हो आपको सावन, और बधाई हो आपको भी और आपकी फैमिली को, आपके टीचर्स को भी, जो आपने कारनामा किया है, बहुत ही काबिले तारीफ। तो आज आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, है ना, और सच सच जवाब देना है, ठीक है? ओके। चलो, तो पहले बात करते हैं कि बिहार बोर्ड से आपका रिजल्ट आया है, जो कि 10th रैंक है और मेरिट आई है आपकी। अब 500 मार्क्स का पेपर था आपका? यस सर। 500 का। कितने मार्क्स आए आपके टोटल? 479। मतलब कि आपके कितने कटे, 21 मार्क्स कट गए? यस। तो बहुत दुख हुआ होगा ना इस बात का? तो हाँ, दुख तो हुआ। टॉपर्स को क्या एक एक मार्क्स की कीमत बहुत, मतलब ऐसी लगती है कि एक भी नहीं कटना चाहिए, है ना? यस सर। अच्छा, 9th में क्या रहा था आपका परसेंटेज, कितनी थी 9th में? 9th में सर 98% के आसपास रहा था। 98% था। चलो, बहुत बढ़िया। तो चलिए, जो आपको 21 मार्क्स आपके कटे हैं उसके लिए हमें भी बहुत दुख है ना, लेकिन जो आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसकी ज़्यादा खुशी है ना। तो यार, बात करते हैं आपसे कि यार, आपने क्या रूटीन फॉलो करते थे, मतलब जैसे आपने 9th का एग्जाम पास किया, 98% आई, आप बहुत कॉन्फिडेंस में आगे होंगे, है ना, फिर वो कॉन्फिडेंस मेंटेन कैसे रखा? क्या होता है कि यार, किसी का 9th में जैसे फट जाता ना कि 98% आ गई, तो कॉन्फिडेंस क्या, ओवर कॉन्फिडेंस बदल जाता है। तो आपने वो कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन रखा, पढ़ाई कब से चालू करी आपने 9th के बाद? सर, बेसिकली सर मेरा टारगेट तो वही IIT क्रैक करना था, तो इसलिए अपने क्लास से सर 2 स्टैंडर्ड हमेशा ऊपर रहा। तो सर सिमुलतला में सर है दुर्गा पूजा, छुट्टी 40 दिन की होती है सर, अक्टूबर नवंबर टाइम। तो सर मैंने उसके बाद बोर्ड एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट किया सर। तो मतलब आपने तभी से चालू कर दिया था? हाँ सर। मतलब 9th क्लास से 10th की तैयारी शुरू? हाँ सर, वो हो चुकी थी, लेकिन जो परफेक्ट बोर्ड के लिए जैसे SST हिंदी को ध्यान में रखना था, वो मैंने सर नवंबर दिसंबर से शुरू किया। बहुत बढ़िया। तो यार, एक बात बताओ कि आप, अगर मैं बात करूँ डेली जो पढ़ाई करी है आपने, जो सेल्फ स्टडी करते होंगे, वो कितनी देर की करते थे? हाँ सर, बेसिकली मैं 8 से 10 घंटे पढ़ता था सेल्फ स्टडी, जिसमें 6-7 घंटे मैं वो IIT के प्रिपरेशन के लिए देता था, और 1-2 घंटा सर मैं बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि मात्र 2 घंटे हम डेली पढ़ाई कर लें, तो बोर्ड एग्जाम फोड़ सकते हैं, मतलब पक्का? हाँ सर, बस आपको टीचर जो बताए सर उनके बातों को हमेशा फॉलो करना। बिल्कुल, टीचर की बात फॉलो करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी चाहिए, बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका पढ़ाई करने का तरीका कैसा होता था, मतलब कैसे बैठते थे, किस तरीके से पढ़ते थे? जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है लिख लिख के पढ़ने की, आप कैसे पढ़ते थे, मतलब सेल्फ स्टडी कैसे करते थे? सर देखिए, हम लोग के स्कूल में ग्रुप स्टडी होता था, जैसे मेरे जो फ्रेंड्स थे 4-5 मिल के बैठते थे, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बना रहे थे, उसी समय सर क्वेश्चन आंसर हुआ करता था, जैसे PYQ निकाल लिए सर, लॉन्ग आंसर किसी से पूछ लिए, फिर वो हमसे क्रॉस इंटर क्रॉस किया, ऐसे करके सर होता था। के मतलब दोस्तों के साथ पढ़ाई करते थे आप लोग, तब जाके सेल्फ स्टडी मतलब आपकी थोड़ी और इंटरेक्टिव हो जाती थी, है ना? चलिए, मतलब एक मैंने सुना है कि यार, ऐसा होता है तरीका कि अगर आपने जो चीज़ पढ़ी है वो अगर आपने किसी को पढ़ा दी तो वो ज़्यादा याद रहती है ना? हाँ। तो मतलब यही तरीका रहता था आपका। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो क्या करते थे? तो सर स्कूल के टीचर हुआ करते थे, और हम लोग के हॉस्टल के बगल में उनका आवास हुआ करता था। अच्छा। तो कभी भी उनके पास जाके डाउट सॉल्व कर सकते थे। ओके, चलो बढ़िया। अच्छा, आपने अपना सिलेबस कब कंप्लीट कर लिया था? हाँ सर, नवंबर में शुरू किया था और मिड जनवरी तक कंप्लीट कर लिया था 10th का। हाँ, नवंबर छठ के बाद। यस। अच्छा, और टोटल कितनी बार रिवाइज किया होगा? जैसे मान लो मैं SST की बात करूं, SST तो क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है। हाँ, SST पे फोकस। तो उसको कैसे, मतलब कितनी बार रिवाइज किया होगा, मतलब क्या होता है ना, बार बार पढ़ लेते हैं तो याद होती है, क्या आप एक बार में याद कर पाए या 2-3 बार करना पड़ा आपको? नहीं नहीं, एक बार नहीं सर, 3-4 बार तो करना पड़ा सर। 3-4 बार तो करना ही पड़ता है, मतलब ये तो तय है कि सोशल साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया, है ना, इंग्लिश हो गया, लिटरेचर हो गया, ये तो 2-3 बार तो करना ही पड़ेगा, मतलब उसके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना, राइट? तो यही है मतलब आपके साथ? यस सर, 3-4 बार। चलो,
अच्छा टेस्ट सीरीज वगैरह देते थे, टेस्ट वगैरह देते थे आप? किस चीज का सर? जैसे सैंपल पेपर सॉल्व करते ना अपन, टेस्ट मॉडल पेपर सैंपल पेपर। जैसे जैसे टारगेट बोर्ड वगैरह कभी कभी इशू किया था टेस्ट, तो उसमें 51 रुपए का होता था, उसमें पार्टिसिपेट करते थे सर। अच्छा, तो जैसे टेस्ट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक टेस्ट दिया है ना, 3 घंटे टेस्ट देने के बाद, उसके बाद क्या करते थे? जैसे मान लो आपको पता चल जाए कि यार ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये मैं लिख नहीं पाया, कैलकुलेशन गलत होगी, कुछ गलती होती होगी ना, उसके बाद क्या करते थे आप? उसके बाद जस्ट रिग्रेट थोड़ा होता था, उसके बाद फिर से उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस 2 बार कर लेके अगली बार ये गलती ना करूं। बहुत बढ़िया। तो यार ये चीज हर बच्चे को करनी चाहिए, मतलब मेरा सजेशन भी है कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो गया तो उसको प्लीज 2-3 बार करना चाहिए, ताकि रिग्रेट ना हो अगली बार, क्योंकि अगर आपने उसको कर लिया ना तो वो गलती दोबारा बोर्ड एग्जाम में भी नहीं होगी, चाहे कहीं भी एग्जाम दोगे वहां नहीं होगी, चाहे आपका आईआईटी का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, सीएस का हो, उसमें मतलब आपकी जो एक बार गलती हुई दोबारा नहीं होगी। बहुत बढ़िया। अच्छा सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं यार, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में, तो यार आपके पूरे मार्क्स आए किसी सब्जेक्ट में? नो सर। अच्छा, तो 98, 99 हिंदी में मैक्सिमम, 98 किस में है? हिंदी में सर। हिंदी में? हिंदी में। उसके बाद सोशल साइंस 96। मतलब सोशल साइंस 3 बार पढ़ने का नतीजा है 96 लाना, क्या बात है। और मैथ्स में कितने मार्क्स है आपके? 95 साइंस में, 95 संस्कृत में, 95। अच्छा, तो यार एक बात बताओ, मैथ्स को पढ़ने का क्या तरीका होता है, मतलब एक स्ट्रेटेजी, अगर आपका कोई जूनियर है आप उसको बोलो कि यार तू ऐसे पढ़ ले, तेरे भी 95 से ऊपर आएंगे मैथ्स में, तो क्या होगा वो स्ट्रेटेजी? अगर सर उसके पास टाइम है तो मैं उसको हमेशा कहूंगा कि एनसीईआरटी का हर एग्जांपल पहले सॉल्व कर लो। हर एग्जांपल, ठीक है। फिर यस सर, फिर उसके बाद सर जो भी जैसे आप एक्स्ट्रा बुक ले, साइड बुक लेके पढ़ते हो, जैसे केसी सिन्हा सर का हुआ बुक या आर एस अग्रवाल, ये सब छोड़ दो बुक वगैरह। ये छोड़ दो या करनी है? नहीं नहीं छोड़ दो। छोड़ दो, अच्छा। तो मतलब कि अब रेफरेंस बुक का भी आपने रेफरेंस बुक भी करी है, तो मतलब अगर सिर्फ मैं कहूँ एनसीईआरटी से 95 आ सकते हैं क्या? हाँ यस सर आ सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, अगर आप आरडी शर्मा आर एस अग्रवाल कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट तो वही होगा, तो मतलब अगर आपने एनसीईआरटी कर रही है तो आप पूरे मार्क्स ला सकते हो, राइट? यस सर। अच्छा साइंस कैसे पढ़ते थे यार? साइंस में 3 चीज होती है, फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, बायो भी होती है, तो ये कैसे पढ़ते थे यार? इसमें देखो तीनों की अलग अलग ट्रिक होती है पढ़ने की। सर जैसे मेरा सबसे वीकेस्ट पोर्शन था बायोलॉजी, तो उसके लिए सर मैंने फ्रेंड्स से नोट्स मांगी कुछ कुछ, उनसे जो जिनका एम था नीट करना, तो उनसे मैंने कुछ हेल्प ली। अच्छा, वो कैसे पढ़ते थे, उन्होंने मुझे बताया कि जैसे हर चीज का वो डायग्राम बनाया करते थे सर। अच्छा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने तो हर चीज का डायग्राम बनाया करते थे, उसके बाद हर पॉइंट को वो लिखा करते थे। तो मतलब बायो और सर फिजिक्स को पढ़ने का तरीका ये है कि हर चीज का डायग्राम बना लो। डायग्राम ये सर वो इजी कर दिया करता था, इजी कर दिया, जैसे कुछ कुछ एग्जाम का नाम भूल जाते थे तो इससे विजुलाइजेशन बढ़ जाता है, राइट? मतलब आप उसको विजुलाइज कर लोगे डायग्राम से, क्योंकि लिखे हुए से तो आप समझ ही नहीं पाओगे, लेकिन अगर आपने उसको डायग्राम में देखा तो आप विजुलाइज कर लोगे, राइट? यस सर। चलो, मतलब कि विजुलाइजेशन बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में राइटिंग कैसी थी आपकी? स्पेशली बायो के लिए। हां, स्पेशली बायो के लिए तो है। एग्जाम में राइटिंग सर ठीक थी या अच्छी थी या मतलब एवरेज थी? एवरेज थी सर। एवरेज थी, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं कि राइटिंग बहुत ही अच्छी होगी तभी पूरे मार्क्स आएंगे, तभी मेरिट में आएगा, मतलब ठीक ठाक राइटिंग में लिखेंगे। वो अफेक्ट करता है। अफेक्ट तो करता है, बिल्कुल सही है। हो सकता है आपके जो 21 मार्क्स कटे हैं वो थोड़ा कहीं राइटिंग में गड़बड़ होगी हो, है ना भाई? ये हो सकता है, मतलब राइटिंग मैटर करती है, लेकिन हो सकता है आपकी राइटिंग अगर अच्छी ठीक ठाक है तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा अच्छी है ना तो फिर जो 21 मार्क्स कटे शायद वो भी नहीं कटते, है ना? उसके बाद सर जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ जो आपका इंटरव्यू लेते हैं उनका रिमार्क्स भी बहुत डिपेंड करता है। ओके, अच्छा, तो मतलब आपने उसके बाद इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के बिहाफ पर आपको रैंक दी जाती है। यस सर, जैसे वहाँ पे हुआ हर सब्जेक्ट के आपके सामने टीचर रहेंगे और आपकी हर कॉपी वहाँ रहेगी। उसके बाद वो आपसे जैसे आपका क्वेश्चन देखेंगे और आपसे लिखवाएंगे और आपसे कुछ कुछ वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं ऑरली। ओके, मतलब वो तो एक इंटरव्यू हो गया, तो मतलब वो भी परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, तभी हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसका जो रिमार्क्स होता है ना सर वो इफेक्ट डालता है रिजल्ट में। ओके, तो यार आपसे थोड़ा पर्सनल बातें करते हैं अब कि यार फाइनेंशियली मतलब क्या रहा आपका, मतलब कैसे चलता था स्कूल वगैरह, आप क्या प्लानिंग रखते थे पूरे अपने उसकी,
घर वालों ने कैसे हेल्प करी, ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा हमें समझाओ, मतलब बताओ इसके बारे में भी। यस सर, फाइनेंशियली तो सर स्टेबल ही रहे, ना ही ज्यादा ना ही कम सर। और सर सिमुलतला आवासीय विद्यालय में थे तो वहाँ फाइनेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता था। ओके, वहाँ हम लोग को घर से एकदम अलग कर दिया जाता था। अच्छा, तो आप वहाँ लेकिन हॉस्टल फिर में जो रहते सर थे? एक महीना, यस सर हॉस्टल, लेकिन फिर एक महीना पहले मतलब रिलीज कर दिया जाता है स्टूडेंट को, तो उसमें पेरेंट्स से तो बहुत ज्यादा गाइडेंस मिली वही, सर, मतलब फिर पेरेंट का सपोर्ट जो बहुत रहता है ना, मतलब वो मोटिवेशन। कितना हेल्पफुल होता यस है। सर और पेरेंट्स के, देखो यार बच्चों का एग्जाम होता है ना, तो मतलब वो सिर्फ बच्चों का एग्जाम नहीं होता है, उसमें पेरेंट का भी एग्जाम होता है। पेरेंट्स, तो वो जो पेरेंट का सपोर्ट है, उसके बारे में आपका मतलब कुछ, कि भाई देखो यार पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो कोई भी काम पॉसिबल नहीं है ना, तो वो आपको क्या मिला, किस तरीके से आपकी हेल्प करी पेरेंट्स ने? स्पेशली सर मेरे पापा एग्जाम तक मेरे साथ ही रहते, एग्जाम सेंटर के आसपास ही मैं रूम लिया था, अच्छा, तो पापा बहुत ज्यादा मोटिवेट किया करते थे हमको, मुझ पे बिलीव था। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई फादर है, मम्मी है, तो वो इनका टीचर, मतलब टीचर के साथ साथ, मतलब मैं मानता हूँ जितना टीचर का रोल होता है उतना ही पेरेंट्स का भी रोल होता है हमारी लाइफ में, एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यार जो हमने परसेंटेज हासिल करी है वो सिर्फ टीचर की वजह से नहीं है, वो हमारे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। वो एग्ज़ाम में हमारे लिए रात को जगते हैं लेट तक, फिर हमें भूख लगती है दिन में, तो उसके लिए भी हमारे लिए सब कुछ करते हैं, सुबह भी जल्दी उठाते हैं हमें पढ़ाई करने के लिए, तो यार बहुत बड़ा रोल होता है पेरेंट्स का भी। चलो बहुत बढ़िया। तो यस यार सर, पेरेंट्स को, फिर पेरेंट्स से मिठाई विठाई खिलाई नहीं खिलाई? यस सर, चलो बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने कहा, आपका टारगेट आईआईटी का है, राइट? यस सर, चलो बहुत अच्छी बात है। तो यार आईआईटी के लिए फोड़ो, मैं आपसे 2 साल बाद फिर आपका इंटरव्यू लूंगा, राइट? हाँ पक्का? क्या रैंक आएगी, डिसाइड कर रखा पक्का कुछ? सर, अंडर 500 लाना है अंडर सर। 500 लेकर आएंगे? बहुत बढ़िया यार, मतलब यस सर, मजा आ गया, बात करके भी मजा आ गया और आपसे। 12th अपीयरिंग में ही फोड़ना चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल, ड्रॉप नहीं 12th के लेना। साथ फोड़ेंगे, मचा देंगे यार, मैं कह रहा हूँ आप मचाओगे, है ना? तो ऑल द बेस्ट यार आपके फ्यूचर के यस लिए। सर, तो यार आप अभी कैसे पढ़ रहे हो, मतलब आपका प्रोसेस क्या है? जैसे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो आपने कुछ चीजें तो पढ़ ली होगी ना आप, क्योंकि आपका टारगेट पहले से फिक्स है। यस सर, तो जैसे मैथ्स वही में तो कितने है सर। चैप्टर पढ़ लिया आपने? हाँ उसको क्या बेटा, कैसा, मैथ्स में क्या क्या पढ़ लिया वही आपने? आपको अच्छा, दिखा रहा सर, वही दिखा रहे हो, वही देखिए। क्या बात है, मतलब आपने ये बना के रख रखा है अपने टेबल पे ही, बहुत बढ़िया यार, बहुत यस बढ़िया। सर, चलो बहुत बढ़िया। तो ऑल द बेस्ट सावन, और बधाई हो आपको एक और बार, आपके थैंक पेरेंट्स को यू, भी। और आईआईटी का रिजल्ट लाओगे ना, तो मैं मिठाई खाने आऊंगा आपके पास से, ठीक है? चलो, तो मिलते हैं फिर अपन दोबारा 2 साल बाद, ठीक है? चलो ओके बाय, सर, ऑल द बेस्ट बेटा, एंड थैंक यू वेरी मच, बाय। बाय।